सबसे पहले लंदन से बड़ी खबर आ रही है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार एक बार फिर वजीर बनने वाले हैं। इसहाक डार मंगल को बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। कौसर काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर काजमी, एक तो ये बताएं कि इसहाक डार की वतन वापसी कब तक मुतवक्के है और ये जो मुआशी टीम है क्या इसमें मौजूदा वजीर खजाना यानी कि मिफ्ता इस्माइल भी शामिल होंगे? जी सिद्रा, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है लंदन से, जो मीटिंग वजीर आजम पाकिस्तान की कायद मसंद नून से जिसमें इसहाक डार भी मौजूद थे। तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं ये मीटिंग, इतनी तवील मीटिंग थी और अभी ये जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जो आने वाला मंगल है इस रोज जो साबिक वजीर खजाना है इसहाक डार वो बतौर वफाकी वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। जो उनके यहाँ से वापसी की खबरें हैं, जब हमने जराए से ये जानने की कोशिश की क्योंकि वक्त बहुत कम है, मंगल का बताया जा रहा है कि वो बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे, तो यकीनी तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ ही पाकिस्तान रवाना हो। ताहाल इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, अभी तक मीटिंग जारी है। जैसे ही वो बाहर आते हैं उम्मीद है कि वो खुद मीडिया से बात करते हुए ये तमाम बातों का जवाब देंगे। जी सिद्रा, ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये इम्कानात हैं, ये तवक्को की जा रही है कि शायद वजीर आजम के साथ ही इसहाक डार भी वतन वापस आए और चूंकि आप ये खबर दे रहे हैं कि वो अब हलफ भी उठाएंगे बतौर वजीर खजाना के और मिफ्ता इस्माइल भी इस मुआशी टीम का हिस्सा होंगे, अहम ये डेवलपमेंट होने जा रही है। इससे मुतालिक आपने अपडेट किया। कौसर काजमी, आपका शुक्रिया।